Hey kids, a very warm welcome to all of you. Myself Vanshika, today I'm going to teach you about computer. Aaj hum padhne ja rahe computer ka chapter number 5. And chapter number 5 is computers, mouse. Computer ke mouse ke bare mein ab hum deep study, hamara pura chapter hi kya hai? Mouse ke upar hai. So let's start without wasting our time. आपको बच्चे अपनी कंप्यूटर की बुक खोल के रखनी है मैम के आगे है ऑलरेडी, आपको अपने आगे खोल के रखनी है. ओके, पेज नंबर इज 3535. सो लेट्स स्टार्ट. मैम ने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है. अबाउट माउस, माउस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. मैम के पास ऑलरेडी माउस है, ये मैम ने माउस लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए. ठीक है, अब माउस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. माउस इज ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, जैसे कि मैम आपको अर्लियर बता चुकी हैं, क्योंकि माउस को अगर हम मूव करते हैं तो एक पॉइंट, एक एरो बना आता है हमारी स्क्रीन पे, हमारे डेस्कटॉप पे, इसलिए उसे एक पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस बिकॉज इट पॉइंट्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन. क्योंकि ये हमारे मॉनिटर पे, डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे सेलेक्ट करता है कोई भी काम और ऑब्जेक्ट्स को मूव करता है ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर, स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन पर. इट इज एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है. इट हैज अ लॉन्ग वायर दैट कनेक्ट्स इट टू द सीपीयू. इसकी एक लॉन्ग वायर होती है, ये एक वायर है उसकी कंप्यूटर माउस की, और ये उसको सीपीयू से यहाँ से कनेक्ट करते हैं. ये जो वायर है ना, इसको हम सीपीयू में से कनेक्ट करते हैं. माउस कैन ऑल्सो बी यूज वाइल प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स एंड ड्रॉइंग. माउस को हम कब यूज करते हैं, जब हम ड्रॉइंग कर रहे होते हैं या फिर हम कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहे होते हैं तो भी माउस का यूज होता है. लुक एट द पार्ट्स ऑफ अ माउस. अब आप इसके पार्ट्स ऑफ अ माउस देख सकते हो. ठीक है, द वेरी स्मॉल मूविंग एरो विजिबल ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड अ पॉइंटर. पॉइंटर क्या होता है, जो आज तक मैम आपको बताती आई है कि हम स्क्रीन पे जब माउस को मूव करते हैं तो स्क्रीन पे एक एरो बना होता है. एरो इन द फॉर्म ऑफ किसी भी टाइप से होता है, या तो ऐसे सिंपल एरो हो सकता है या फिर ऐसे आई टाइप एरो बन जाता है बच्चे वो, और एक होता है हैंड बन जाता है. ये थ्री टाइप के एरो बने आ सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और इसी को हम पॉइंटर कहते हैं. और ये कब आते हैं, जब हम माउस को मूव करते हैं. इट कैन बी ऑफ एनी टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से वो किसी भी तरीके का हो सकता है एरो. Moving on to the next page, page number 36. The mouse is always kept on a mouse pad. मैम ने भी यहाँ पे माउस पैड लिया हुआ है और उसी के ऊपर मैम ने माउस रखा हुआ था. बच्चे ये होता है हमारा माउस पैड, इसके ऊपर हम रख के माउस चलाते हैं और इसके ऊपर ही हम माउस रखते भी हैं. ये बहुत स्लिपरी सरफेस का होता है, इस पर माउस इजीली ऐसे घूम जाता है, ड्रैग हो जाता है. ठीक है, आपको माउस को रखना भी इस पर चाहिए ताकि ये नीचे से यहाँ से खराब ना हो, और इसको इसी के ऊपर रख के चलाना भी चाहिए लाइक दिस. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज माउस पैड, इसे माउस पैड कहते हैं. नेक्स्ट इज विच हेल्प्स इन द स्मूथ एंड बेटर मूवमेंट. ये हमारे को स्मूथली यानी कि और बेटर मूवमेंट के लिए काम आता है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ बटन. नंबर और बटन के बेसिस पर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस. ये बहुत सारे तरीके के माउस होते हैं अवेलेबल इन द मार्केट, सच एज मार्केट में उसको बटन्स को देखते हुए और उसके टाइप अलग अलग तरीके को देखते हुए माउस भी बहुत तरीके के आते हैं. कौन कौन से, फर्स्ट इज टू बटन माउस जिसमें सिर्फ टू बटन्स होते हैं. एक होता है बच्चे थ्री बटन माउस जिसमें थ्री बटन्स होते हैं. एंड नेक्स्ट इज स्क्रॉल माउस जो कि स्क्रॉल हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू बटन माउस. हम टू बटन माउस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. टू बटन माउस क्या होता है, दिस माउस कंटेन्स टू बटन्स. इस माउस में टू बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो. इसमें कौन से बटन होते हैं, सिर्फ टू ही होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन. और ये वाला जो माउस है ये भी कौन सा है, टू बटन वाला, ये लेफ्ट बटन राइट बटन. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज एक होता है बच्चे थ्री बटन माउस. वो क्या होता है, दिस माउस कंसिस्ट ऑफ थ्री बटन्स. बस इसमें डिफरेंस ये होता है, इसमें थ्री बटन्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, थ्री बटन्स, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड मिडल बटन, जिसमें लेफ्ट में बटन होता है, राइट में होता है और एक मिडल में होता है. और ये इसका आप एग्जांपल देख सकते हो थ्री बटन माउस का, लेफ्ट राइट एंड मिडल. ठीक है, इसमें थ्री बटन्स होते हैं. नेक्स्ट कम्स योर
स्क्रॉल माउस। अब स्क्रॉल माउस कौन सा होता है? इट कंटेन्स टू बटन्स एंड अ व्हील इन प्लेस ऑफ सेंट्रल मिडिल बटन। इसमें क्या होता है, टू तो बटन्स होते हैं और बीच में सेंटर बटन की जगह एक व्हील होता है, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और बीच में ये स्क्रॉल है, ठीक है, द स्क्रॉल व्हील, इसे कहते हैं स्क्रॉल व्हील। मैं आपने आपको बताया ये व्हील है, ये देखो ये आगे पीछे मूव भी करता है, ठीक है। हेल्प्स टू मूव द पेज अप एंड डाउन, जो स्क्रॉल व्हील होता है वो पेज को ऊपर ले जाने में या फिर नीचे ले जाने में हमारी मदद करता है। Nowadays, scroll mouse is the most common used mouse. आज के टाइम पे स्क्रॉल माउस जो होता है, जो ये माउस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन माउस होते हैं, ये ऑलमोस्ट हर किसी के घर पे यही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू होल्ड द माउस, इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब माउस को होल्ड कैसे करते हैं, मैम ने ये चीज़ आपको पहले सिखाई थी कि माउस को कैसे पकड़ते हैं बच्चे, आपका आपके जो हैंड्स हैं वो कैसे होने चाहिए माउस पे, आपको पहले तो माउस पैड रखना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर माउस रखा आपने और देखो कैसे पकड़ते हैं। आपका जो थंब होता है वो आपके इसके लेफ्ट साइड के साइड में होना चाहिए, ठीक है, और जो आपकी ये वाली फिंगर होती है ये आपके लेफ्ट उस लेफ्ट साइड होनी चाहिए, और जो मिडल फिंगर होती है वो आपके राइट वाले क्लिक पे होनी चाहिए, लाइक दिस, और बाकी फिंगर्स इसके साइड में होनी चाहिए, लाइक दिस यू हैव टू होल्ड अ माउस। आपको इस तरीके से माउस को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है, कि माउस को पकड़ने के भी बच्चे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे भी पकड़ सकते हैं और कुछ ऐसे माउस रख के ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं करते, ऐसे करके से माउस को पकड़ने की भी एक पोजीशन होती है और आपको ऐसे ऐसे पकड़ना होता है, क्लियर, गुड। नाउ इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस योर पाम ऑन द बेस ऑफ अ माउस। अब आपको इसके बेस पर यानी कि इसके ऊपर अपना पाम रखनी चाहिए, लाइक दिस, मैम ने आपको पकड़ के दिखा दिया, अब आपको ऐसे देखना है। Your middle finger should be on the right button. जो आपकी middle वाली finger होती है ये आपके right button पे होनी चाहिए, like this. And your index finger, जो कि ये वाली होती है, should be kept on the left side of the button. ठीक है? Now your thumb should support and hold the mouse. और आपका thumb जो है वो left side पे यहाँ पे corner में रहेगा, जो कि support करता है, ठीक है? Clear? Page number 37. Different types of mouse. और भी बहुत सारे types के होते हैं. Yes, और भी बहुत सारे types के होते हैं mouse. First is track ball mouse. Track ball mouse क्या होता है बच्चे? It contains a ball on its upper side, which is called a track ball. जिसमें क्या होता है आप देख सकते हो, इसे वो कहते हैं track ball mouse. Mouse है, उसके ऊपर एक ball लगी हुई है. ये आपको दिख रही है red color की ball. ये ट्रैक करने के काम आती है, ठीक है, क्या ट्रैक करने के काम आती है? दिस बॉल एनेबल्स अस टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये क्या करती है, ये बॉल जो होती है ये कर्सर हिलाती है स्क्रीन का, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉल माउस। अब बॉल माउस क्या होता है, इट कंटेन्स अ बॉल इनसाइड इट। इसके अंदर जो होती है ना माउस के, यहाँ पे अंदर बॉल होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो पिक्चर में, ये आपके इसके अंदर माउस के अंदर क्या है, एक बॉल है। तो बॉल माउस करती क्या है बेसिकली, द इट कंटेन्स अ बॉल इनसाइड इट, इसके अंदर बॉल होती है। द मूवमेंट ऑफ दिस बॉल मींस द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। जैसे कि हम एरो करते हैं वो काम करती है बॉल, ठीक है, अगर आप बॉल को ऐसे ऐसे करके मूव करोगे तो वो कर्सर जो है स्क्रीन पर मूव करेगा। द बॉल कैन बी सीन बाय टर्निंग द माउस अपसाइड डाउन। जब आपका जो माउस है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये सारा कौन देखता है, जब आप वो बॉल को मूव करते हो तो आपका कर्सर ऊपर जाता है और नीचे जाता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस क्या होता है, इट हैज अ लुक ऑफ अ स्क्रॉल माउस। इसका लुक जो होता है वो थोड़ा स्क्रॉल माउस की तरह दिखता है ये, बट इट यूजेस लाइट इन प्लेस ऑफ द बॉल टू मूव। जहाँ पे स्क्रॉल माउस में क्या होता है, माउस में तो बॉल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बॉल नहीं होती, इसमें प्लेस ऑफ द बॉल की जगह क्या होता है, कर्सर हिलता है स्क्रीन पर, और इसमें क्या होता है, लाइट्स जलती हैं, लाइक जैसे आप देख सकते हो। बाकी माउस में आपने देखा होगा कहीं पे लाइट नहीं जल रही थी, इस माउस में क्या होता है, लाइट जलती है ऑप्टिकल माउस में, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं माउस के, वो सुनेंगे। द लेफ्ट बटन इज यूज फॉर लेफ्ट क्लिक। जो माउस का लेफ्ट वाला बटन होता है वो लेफ्ट क्लिक के काम आता है। एंड द राइट क्लिक बटन इज यूज, राइट बटन इज यूज फॉर राइट क्लिक, राइट बटन राइट क्लिक के। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। हमने प्रेस करा और छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, इसे कहते हैं क्लिक करना, क्लिकिंग करना। हमने प्रेस करा, रिलीज कर दिया, दिस इज नोन एज क्लिकिंग, ठीक है।
अब लेफ्ट क्लिक क्या होता है? इट मींस टू प्रेस एंड रिलीज द बेस्ट बटन ऑफ द माउस. लेफ्ट क्लिक का मतलब कि आपने लेफ्ट वाली साइड पे क्लिक करा, उसे छोड़ दिया, बस वो क्लिक हो गया लेफ्ट साइड. लेफ्ट क्लिक. राइट क्लिक क्या होता है कि आपने राइट साइड पे क्लिक करा और उसे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, वो हो गया राइट क्लिक. नेक्स्ट इज वी क्लिक लेफ्ट माउस बटन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड राइट माउस बटन विद द हेल्प ऑफ मिडल फिंगर. जब हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हम यूज करते हैं अपने इंडेक्स फिंगर, ये वाली, और जब हम यूज करते हैं राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के लिए हम यूज करते हैं अपनी मिडल फिंगर, ये वाली. ठीक है, क्लियर हुआ. नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर इज 38 पे क्या है? सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक. सिंगल क्लिक होता है कि मैम ने माउस लिया और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया लाइक दिस, एक साउंड आई. अब डबल क्लिक क्या होता है? मैम ने दो बार क्लिक कर दिया. अगर आप एक बार क्लिक करोगे ओनली वन टाइम तो वो होती है सिंगल क्लिकिंग, अगर आप माउस को टू टाइम्स क्लिक करते हो तो वो होता है डबल क्लिकिंग. बस यही था. नेक्स्ट इज ड्रैगिंग. ड्रैग क्या होता है? टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ न्यू प्लेस. कि आपने ड्रैग करा, वहां पे क्लिक करके रखा और उसे ड्रैग कर दिया, वो क्या होता है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को नई जगह पहुंचाया, न्यू प्लेस पे, स्क्रीन की न्यू प्लेस पे पहुंचाया, उसी को कहते हैं ड्रैगिंग. चैप्टर इज कंप्लीट. पेज नंबर, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर. अब हमारा ये वर्क कंप्लीट हो गया पेज नंबर 38 तक. ठीक है, अब मैम आपको क्या करके देंगी? मैम आपको बुक वर्क बताती हैं. ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, बुक वर्क. एंड दैट इज, अब आपके ट्रू फॉल्स हैं, ये आपको बुक में ही कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको बुक में ही करना है. दिस इज ऑल्सो योर बुक वर्क. देन MCQs, ये आपको बुक में कंप्लीट करने हैं, मैम असाइनमेंट सेंड करेंगी. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40, आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं. ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.